और भिवानी पुलिस ने शराब की ऑनलाइन तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बताते चले कि बदमाश राजस्थान से शराब लेकर हरियाणा लाते थे, उसके बाद बिहार में शराब कोरियर के माध्यम से भेजे जाते थे। आपको ये भी बताते चले कि बिहार में शराब बंदी है। भिवानी पुलिस के थाना शहर प्रभारी सत्यनारायण को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश अवैध शराब का धंधा करते हैं। वे लोग पेंट के डिब्बों में शराब भरकर उसके अच्छे से पैक कर देते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन का भी वे इस्तेमाल करते थे जो कि व्यापार नाम से ही है। बदमाश 1,000 रुपए की शराब को 2,500 में बेचते थे। पुलिस ने जब इसका भंडाफोड़ किया तो दो युवक भी पकड़े गए हैं जिनका नाम हरित निवासी मिताथल और हरदीप गांव दोहकी जिला दादरी के हैं। ये दोनों होंडा इमेज गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। वहीं पुलिस को सूचना मिली तो उन्होंने भिवानी की सब्जी मंडी के निकट नाका लगाकर इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इसमें हरित, उनके नाम हरित और हरदीप थे। उनसे जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि प्रोक्सी एक मटेरियल होता है, उसको हम आसपास सप्लाई करते हैं और ये हमारा काम है। गाड़ी के फुल चेक किया था, उसके अंदर प्लास्टिक के डिब्बे, जो पेंट टाइप के डिब्बे थे वो डिब्बे थे और कुछ गत्ते की पेटियाँ थी। तो प्लास्टिक के पेंट के डिब्बे को खोल के देखा गया तो उसके अंदर जो हमारे अंग्रेजी शराब के पाउच मिले, जो राजस्थान में निर्मित अंग्रेजी शराब थी और जो गत्ते की पेटियाँ थी उनके अंदर भी अंग्रेजी शराब भरी हुई मिली थी। और इस बारे में जो उनसे लाइसेंस वगैरह परमिट वगैरह मांगा था, उनके पास कोई लाइसेंस परमिट नहीं मिला। जो प्लास्टिक की बाल्टी थी उनके ऊपर कुछ बिल टाइप के कुछ पेपर लगाए थे, उनके बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि ये बिल जो है हमने तेराम इंटरप्राइजेज कंपनी के नाम से बनाए हैं और अपने फोन में एक ऐप होता है व्यापार ऐप का प्रयोग करके बनाए हैं ये चेकिंग अधिकारियों को धोखा देने के लिए। इनका